आपके पास जाना चाहता हूं। अब आ गया कि 15 मनिंदरजीत सिंह बिट्टा आतंकवाद के शिकार, ये खुद काफी सुरक्षा में चलते हैं। बिट्टा साहब हमारे साथ पंजाब कांग्रेस के लीडर हैं अर्शप्रीत खड़ियाल जी, अपनी पार्टी को बड़े अच्छे से डिफेंड करते हैं ये, लेकिन आज ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का रास्ता 20 मिनट के लिए रुक गया तो क्या बड़ी बात है, 20 मिनट लेट चले जाते। देखो जी, मेरी बहस बूझ तो किसी से मत कराओ। नहीं आप बोलो। आज आपको सुरक्षा एक्सपर्ट बुलाने ने मेरी बात सुनिए। आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं, इंदिरा गांधी शहीद हुई, राजीव गांधी सुरक्षा व्यवस्था की गलतियों के कारण शहीद हुआ, सरदार बेन सिंह शहीद हुए, मेरे पे 3 बार बम ब्लास्ट चले, आज 30 साल से जनप्रा सुरक्षा में हूं, सुरक्षा व्यवस्था क्या होती है मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता। और मैं आपको ये बात कह दूं, आज पाकिस्तान छोड़िए कांग्रेस और बीजेपी की बात, देश के प्रधानमंत्री की बात कीजिए, जिसने 370 धारा हटाई, जिसके बारे में कहते थे ना ये बॉर्डर के अंदर, सिंधु बॉर्डर के अंदर पहले मारी इंदिरा गांधी, अब अगला निशाना नरेंद्र मोदी। भाई जी वे, अगर कोई घटना हो जाती तो बहस में मत पड़ाइए, मेरे अनुभव की बात सुनिए, अगर घटना हो जाती तो क्या हुए थे जब इंदिरा गांधी शहीद हुए, 84 के दंगे, अभी तक इंसाफ नहीं मिला उनको, क्या हो जाता हिंदुस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर कितनी आग लगती, ये बहस में टाइम खराब मत कीजिए। पहला सवाल मेरा है देश के सुरक्षा व्यवस्था से, पाकिस्तान ISI नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री क्या होगा, सुरक्षा देश की सुरक्षा इतनी कमजोर है, आज पाकिस्तान है, आज चाइना के लोगों ने छक्के छुड़ा दिए, आज टेररिस्टों के चने चबाए, क्या आज ये हालत हो गई कि आज पाकिस्तान को पता चल गया हम अपने घर में थे नहीं, क्या वाराणसी के अंदर, क्या कई जगह के अंदर रैलियां हुई, क्या कोई घटना हुई हुई? मैं आज केरला में हूं जनाब, मैं चल रहा हूं, मेरे पास 10 गाड़ियों का काफिला है, एम्बुलेंस भी है, फायर ब्रिगेड भी है, कौन सी सरकार है, CPM CPI की सरकार है, कोई किसी तरह का ये नहीं पूछा जाता आप कौन सी पार्टी के हो या किसके साथ हो। अभी मैं गया था पीछे गोवा, वहां गई प्रियंका गांधी, मुझे मिलती बुलेट प्रूफ गाड़ी, मुझे नहीं दी गाड़ी बीजेपी की गवर्नमेंट, मैंने कहा गाड़ी नहीं दी, कहते प्रियंका गांधी की पहल है आपकी पहल नहीं है, मैंने कहा कोई बात नहीं, कहते उसके लिए हमारी सुरक्षा व्यवस्था करना प्रियंका गांधी के लिए सबसे जरूरी है, मैंने कोई इतराज नहीं किया। पर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, आपको पता है इंदिरा गांधी शहीद हुई, आपको पता है कि पंजाब से खालिस्तानियों ने धमकी दी, भाई जी वे हम तो मजाक में बात ले रहे ना, भाई जी वे अगर कोई घटना हो जाती, अभी भी मैंने एक वीडियो में सुना गया वो नरेंद्र मोदी का काफिला खड़ा, काली गाड़ी में नरेंद्र मोदी वीडियो सुना रहा है, कोई नक्सलाइटों की तरह रिमोट दबा देता, कहीं लगाया होता कुछ तो क्या होता। अमृतसर में मेरे ऊपर जनाब ब्लास्ट हुआ, सुनिए सौरभ जी, ब्लास्ट हुआ, मैंने पहले कह दिया ब्लास्ट होगा को लेके, दोनों रास्तों पे आतंकवादियों ने कार बम लगा दिए, इधर से जाएगा इधर से मारेंगे, रास्ता चेंज करेगा इस पे मारेंगे, और मेरे पे क्या 38 लोग शहीद हुए। मैं अनुभवी हूँ, सुरक्षा को मजाक से मत लीजिए, मैं आपको कह दूं अगर कोई भी हिंदुस्तान के अंदर आज के बाद अगर प्रधानमंत्री के ऊपर हल्का सा कंकर भी लग गया ना तो हिंदुस्तान के हमें लोगों को जवाब देना मुश्किल होगा, इसको मजाक में मत लो, जिससे गलती हुई जिससे कमी साहब मुझे लग रहा है आपने बहुत क्लियर कर दिया। मेरा पास बिट्टा साहब, डिफेंस ये है कि प्रधानमंत्री चोट तो नहीं आई, प्रधानमंत्री को कुछ हुआ तो नहीं, क्यों इतना हंगामा कर रहे हैं? देखो मैं आपको बताऊं, ये जो है आप SSP सस्पेंड की बात करते हैं, बहुत छोटी बात है ये, देखना ये छोटा सा मुद्दा नहीं है सौरभ जी, ये बहुत सीरियस मुद्दा है, बड़े लेवल पे इंक्वायरियां होगी, NIA करेगी, रॉ करेगी, कई एजेंसियां इसमें इंक्वायरी करेंगी, इंटेलिजेंस करेगी, ये मैं आपको बताऊं ये नहीं समझ पा रहे हम लोग, ये कितना सीरियस मुद्दा है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के खिलवाड़ के साथ। मैं फिर कह रहा हूं हम राजनीति की तरफ मत जाएं, अगर खुदा ना खास्ता, फिर कहना चाहता हूं अगर कोई हादसा हो जाता तो इंदिरा गांधी जी के टाइम पे क्या हुआ, गलती किसकी हुई, कितने लोग शहीद हुए, कितने सिख लोगों को मारा गया, 84 के क्या अभी तक इंसाफ मिला,
कोई गलती से आग लगा देता। अभी हरमंदर साहब में क्या हुआ, अभी नहीं पता चला, किसी ने हरमंदर साहब में आके अपमान करने की कोशिश की। कौन था? पाकिस्तान था, हिंदुस्तान में था, कोई सारी बातें समाप्त होगी। सवाल मेरी बात सौरभ जी समझिए कि ये मजाक का मुद्दा नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं इसका अनुभव हूं। शरीर का आधा हिस्सा सुरक्षा व्यवस्था की कमियों के कारण, सुरक्षा के लैप्स के कारण 70 लोग शहीद करवा चुका हूं, जिसमें सीआरपी के जवान, पंजाब पुलिस के जवान, दिल्ली पुलिस के जवान शहीद, अभी तक इंक्वायरी उसकी नहीं हुई। आज इसको रोते रोते मुझे 25 साल हो गए, अभी तक इंसाफ नहीं मिला। तो ये मजाक का मुद्दा मत समझिए। मैं तो आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन जिनके राज्य में हुआ है वो तो नहीं समझ रहे इस बात को।